पिंकी भाभी मुझे शुरू से ही पसंद है। जब से शादी होकर आई है, आते ही पूरा घर संभाल लिया, कभी भी कोई कमी नहीं रखी। हम लोग भाभी को रूम में कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, कभी कोई तो कभी कोई देवर ननंदों का उनके रूम में जमावड़ा ही लगा रहता था। लेकिन फिर भी भाभी ने सबका हमेशा ध्यान रखा। संयुक्त परिवार की बड़ी बहू पर आते ही जिम्मेदारी डाल दी गई। सुबह 5 बजे उठकर नहाकर सीधे किचन में जाती थी, साड़ी पहनकर सबके लिए चाय बनाती थी। हमारी ताई जी ने आते ही अल्टीमेटम दे दिया था, बहू सर पर से साड़ी नहीं सरकनी चाहिए, पूरे परिवार का खाना बनाना, वो भी भरी गर्मी में साड़ी पहनकर। पर कभी पिंकी भाभी ने मुंह नहीं उतारा। सबके पसंद का खाना बनाना, फिर पूरे घर को संभालती थी। कभी ताऊजी के सामने तेज आवाज में बात नहीं करना, ताऊजी के सामने कुर्सी पर नहीं बैठना, ताई जी के आराम में कमी नहीं आने देना। इसी तरह उन्होंने बरसों तक रसोई संभाली है। इन्हीं तम हिदायतों से बंधा पिंकी भाभी का जीवन चल रहा था। हमारे परिवार में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब पता चला कि पिंकी भाभी माँ बनने वाली है। हमारे ताई जी ने पहले लड़का हो इसलिए तमाम टोटके किए, जगह जगह जाकर लड़के होने की दवाई भी बहू को दी। इन सब का असर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। परिवार की सबसे बड़ी बहू से दादी को पोता चाहिए था, पर पोती हो गई। ताई जी भी खास खुश नहीं थी। भाभी के आते ही ताई जी ने रसोई में जाना बंद कर दिया। बच्ची के साथ भाभी रसोई संभालती और उनके जीवन की गाड़ी धीमी रफ्तार से चलने लगी। भैया अपने बिजनेस में व्यस्त रहते, उन्हें वक्त नहीं था कि वो भाभी को घुमाने ले जाए, कभी कभी पिक्चर ही दिखा लाते या कभी मेले में ले जा दे। भाभी की गुड़िया 4 साल की हुई थी, तभी पता चला भाभी फिर से गर्भवती है। अब तो उम्मीदें और भी बढ़ गई। भाभी ने कभी घर वालों की किसी बात का विरोध नहीं किया, जिसने जैसा कहा मान लिया। इस बार जब तब करवाए गए, लड़के के लिए दान पुण्य कराए, भगवान को मजबूर कर दिया कि बस आपको तो अब लड़का ही देना है। लेकिन दूसरी बार भी बेटी हुई, सबका चेहरा उतर गया। पिंकी भाभी के किसी बच्चे का स्वागत अच्छे से नहीं हुआ। पहली बेटी हुई तो सबने कहा बेटा हो जाता, दूसरी हुई तो भी सबने यही कानाफूसी की। पिंकी भाभी फिर से परिवार की सेवा और बच्चों की परवरिश में लग गई। वैसे तो उन्हें वक्त नहीं मिलता था, पर फिर भी वो दोनों बच्चों के साथ खेलती, मुस्कुराती और जी रही थी। अमन भैया की शादी की बाद चल निकली। पिंकी भाभी खुश थी, उन्हें देवरानी मिल जाएगी। शादी हुई, रात को सोने से पहले पिंकी भाभी ने कहा, अलार्म लगा लेना, सुबह 5 बजे उठना है। भाभी आपको 5 बजे निशु से क्या काम है, इतना थक कर सोएंगे तो इतनी जल्दी कैसे उठेंगे। पिंकी, अमन सही कह रहा है, ताई जी ने हाँ में हाँ मिलाई। मैं भी तो 5 बजे ही उठती थी, मैं भी तो थककर सोती थी। हाँ, तुम्हारा वक्त अलग था, अब 10 साल हो गए तुम्हारी शादी को, भैया ने समझाते हुए कहा। तो क्या हुआ, माजी के लिए दोनों बहू बराबर होनी चाहिए, आखिर वो घर की छोटी बहू है, उसे भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। मैं अभी भी तो 5 बजे ही उठती हूँ, मन ही मन सोचते हुए भाभी सो गई। सुबह वो तय समय पर ही उठी, रोज की तरह अपने सारे काम किए, सबके लिए चाय, नाश्ते, खाने की व्यवस्था की, बार बार घड़ी की ओर टकटकी लगा रखी थी। और घर की छोटी बहू निशा आराम से 9 बजे रूम से निकली। पिंकी भाभी को अच्छे से याद है कि जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो एक दिन वो 5 बजे की जगह 6 बजे उठी तो घर वालों ने दरवाजा ठोक ठोक कर उन्हें उठा दिया। उनमें उनके देवर अमन भैया आगे थे। भाभी, क्या मम्मी जाकर किचन में चाय बनाएगी, गुस्से से अमन भैया दरवाजा पीट रहे थे। आज उनकी पत्नी आराम से उठ रही थी, फिर भी कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा था, पिंकी भाभी की समझ से परे था। आखिर दोनों बहुओं में ये पक्षपात क्यों किया जा रहा था। जब निशा रूम से निकली तो वो सलवार कमीज में थी। अरे ये क्या, हमारे यहाँ साड़ी पहनते हैं और तुम चलो चेंज करो। भाभी, मैंने अमन से पहले ही कह दिया था,
मैं रोज साड़ी नहीं पहन सकती, हमारी बात हो गई है। माँ जी ने भी हाँ भर दी। पिंकी भाभी सोचती रह गई। आते ही छोटी बहू निशा ने अपनी मनमानी चला दी। मन होता तो काम करती वरना कुछ नहीं करती। जब देखो अमन के साथ घूमने चली जाती। पिंकी भाभी को ये सब आजादी नहीं दी गई थी। उन्हें कहीं भी जाने से पहले खाना बनाकर जाना होता था और शाम को देर हो जाए तो आते ही रसोई में खाना बनाना होता था। कभी भी बनी बनाई रोटी थाली में नहीं मिलती। निशा पर किसी तरह की बंदिश नहीं थी। पिंकी भाभी को याद है एक बार वो मायके फंक्शन में गई थी। लौटते वक्त देर हो गई तो आते ही ताई जी चिल्ला पड़ी। भाभी की छोटी बिटिया रो रही थी और इधर खाना भी बनाना था। रोती बिटिया को गोद से छीनते हुए अमन भैया ने कहा था, भाभी आप पहले खाना बना दो, बिटिया को हम संभाल लेंगे। देर तक बिटिया रोती रही और थक कर आखिर में बिचारी भूखी ही सो गई। आज अमन भैया निशा को कोई काम नहीं बताते। उसको साथ लेकर ही खाना खाते, उसको साथ लेकर ही बाजार जाती। निशा अमीर फैमिली से थी, लाखों का दहेज लाई थी, इसलिए पूरा घर निशा के चारों ओर घूमता था। अमन भैया खुद भी अच्छा कमाते थे, इसलिए ताऊ जी ताई जी उनसे दबकर रहते थे। निशा गर्भवती हुई तो उसे पलंग पर बैठे बैठे खाना मिलता। वो काम कुछ नहीं करती थी। पूरा घर छोटी बहू के लाडलाडा था। नवे महीने निशा ने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो निशा की और भी कदर होने लगी। अब जो भी आता यही बोलता, अब तो तू भी लड़का कर ले। रोज रोज ये सुनकर अब बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। इतने सालों घर की सेवा की उसको कोई नहीं देखता, एक लड़का करने से ही कदर होती है क्या? उस दिन बड़ी ननंद ने आशीर्वाद दिया, देख छोटी ने आते ही कर लिया, अब तू कब कर रही है लड़का? दीदी आपको ये सलाह पहले देनी चाहिए थी, मेरे हाथ में होता तो मैं पहले ही लड़का कर लेती। सबके हाथ में लड़का पैदा करना होता तो कभी लड़की पैदा ही नहीं होती, आप भी नहीं होती, मैं भी नहीं होती। बांझ तो नहीं हूँ, एक माँ तो हूँ, जो भगवान ने दिया उसमें खुश हूँ। आपको मेरी बेटियाँ इतनी खटक क्यों रही है? हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे और हाँ, आपकी सेवा करने के लिए निशा है, आप वहाँ जब चाहे आती रहिएगा। इतना कहकर वो रूम से निकल गई। कोई कब तक बर्दाश्त करे? पिंकी भाभी को एक ही घर की दो बहुओं में इतना फर्क परेशान कर रहा था। वो क्या इस घर में सिर्फ रोटी बनाने के लिए आई थी? घर गृहस्थी की जिम्मेदारी के आगे वो अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। जब मेरी कदर नहीं तो मेरी बेटियों की क्या कदर होगी? उन्हें भी रोज सुनना होगा। मैं अपनी बेटियों की परवरिश ऐसे माहौल में नहीं कर सकती। काफी सोच विचार करके वो अपने परिवार से अलग हो गई। सबने पिंकी भाभी को बुरा कहा, पर मेरी नजर में उन्होंने सही कहा। जहां आपकी कदर ना हो वहां तो रहना ही नहीं चाहिए। अपने घर में सुकून की दो रोटी भी अच्छी है और जहां अपमान करके मिठाई मिले वो भी बुरी है। मैं पिंकी भाभी के साथ हूँ, आखिर सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। दोस्तों, पैसों के कारण कुछ ससुराल वाले बहुओं में भी फर्क कर देते हैं। एक बहू को फर्श पर तो दूजी को आसमान पर बिठा कर रखते हैं। मात्र एक बेटा पैदा करने से निशा के सारे अवगुण गुण में बदल गए। पिंकी भाभी ने इतनी सेवा की उसका कोई मोल नहीं और निशा के मायके से आता हुआ धन ज्यादा अनमोल हो गया। ससुराल वालों को ले देकर बहू से ज्यादा प्यारा दहेज ही होता है। तभी तो कई बुजुर्गों का बुढ़ापा अकेले कट रहा है। वो धन भी उनके पास नहीं रहता और बहू भी। बहू के संस्कार गुण देखे, वही सब काम आता है, पैसा नहीं। एक बात और, बेटा होगा या बेटी ये सब बेटे पर निर्भर करता है। फिर भी सभी परिवार वाले बहू को ही दोषी मानते हैं और ताने कसने में यही औरतें आगे रहती है जो खुद भी किसी घर की बेटी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।